हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। 10 जुलाई से एग्ज़ाम डेट है, एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो देखिए, आज हम कोर्स 8 और 9 का वीवीआई क्वेश्चन कर दिए थे। आज हम कोर्स 10 आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, समझे। अभी तक कोई नोट्स नहीं लिए होंगे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं नोट्स। 95 76 00 24 01 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। 95 76 00 24 01 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024। सेशन हो गया 22-24। पेपर का नाम हो गया क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल कोर्स 10 होता है। 40 नंबर का पेपर होता है, 18 नंबर इसमें पासिंग मार्क है। अब देखिए, आपको कोर्स 10 में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक दीर्घोत्तरीय पूछा जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव आता है, और फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय आता है, समझे। तो लिखा हुआ है सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा अच्छा से पढ़ के जाइएगा, समझे। तीसरा क्वेश्चन है श्रवण बाधित बालक की अवधारणा, आवश्यकता और शैक्षिक प्रावधान का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालक के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है। पांचवा क्वेश्चन है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की व्याख्या कीजिए। अब आते हैं सेक्शन बी में, 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। आरटीई 2009 क्या है, श्रवण बाधित बालकों के लिए शैक्षिक योजना, अधिगम विकार या नियोजिता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में अंतर, समावेशन और मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में क्या है, समझे। अब आते हैं हम लोग खंड सी, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि निःशक्त अधिनियम 1995 को फरवरी डैश में क्रियान्वित एवं लागू किया गया, तो 7 फरवरी 1996 को इसको क्या किया गया, लागू किया गया था, मतलब समझे। 95 में आया था ये चीज़, जब पास हुआ था 7 फरवरी 1996 को। दूसरा क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म द NCMEI, यानी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा जो है आपका बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए है, विकलांगों के लिए, इनमें से कोई नहीं है। इसमें हो जाएगा कि देखिए, समावेशी शिक्षा होता है वो सब के लिए होता है, समझ गए, इनमें से कोई हो जाएगा, समझे, रहना चाहिए इनमें सभी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 9 हो जाएगा। चौथा है कि राइट फुल फॉर्म द UDL, तो UDL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प। पूछता है UDL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का सार्वजनिक अभिकल्प। अगला है BEd, आगे क्वेश्चन है कि BEd विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम मान्यता देता है, इसका RCI मान्यता देता है, समझ गए। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन है अपंगता अधिनियम 1995 निम्नलिखित किस विकल्प को उल्लेख नहीं करता है, तो डिसलेक्सिया का नहीं करता है, क्योंकि ये आपका 7 को प्रकार था, दृष्टि चलन वाक्य एवं श्रवण, लेकिन डिसलेक्सिया उसमें नहीं था, तो सी हो जाएगा। आगे है RCI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटी इंक्लूसन, समझ गए। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी इंक्लूसन होता है। फिर आगे क्वेश्चन है एकीकृत आधारित पाठ्यक्रम विकलांग बच्चों के लिए सबसे अच्छा पाठ्यक्रम है, तो बिल्कुल अच्छा पाठ्यक्रम है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन हो गया, समझ गए। नोट्स लेना होगा तो 95 76 00 24 01 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, समझ गए। थैंक यू।